जो मंदिर जो है वो सारे वो साइड में, जहाँ पे हम लोग नीचे घाट में उतरे थे। आज हम निकल रहे हैं ऋषिकेश के लिए। कल हम लोग रात को आए थे केदारनाथ से ऑलमोस्ट 2 बजे, इतने थक चुके थे कि मैं लास्ट व्लॉग का एंडिंग भी नहीं कर पाया। तो जैसे हम लोग सो गए और अभी सुबह 7 बजे उठे। आज थोड़ा प्लान हम लोग का लेट चल रहा है और कल हमारी ट्रेन है मुंबई के लिए दिल्ली से लेकर। तो आज प्लान ऐसा है कि आज हम करेंगे पहले ऋषिकेश, अगर हो सके टाइम बचा तो हम लोग हरिद्वार भी विज़िट करेंगे और उसके बाद हम लोग शायद से जाने वाले हमारे दोस्त के घर जहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था देहरादून, और फिर वहाँ से दिल्ली। अगर हो सके तो हम लोग देहरादून जाएंगे, अदरवाइज़ होटल स्टे रहेगा, बट होटल स्टे में भी वापस खर्चा आएगा, उतना फिर बजट के बाहर जाएगा। तो प्लान तो ऐसा ही है फिलहाल कि देहरादून के लिए हो सके तो जाएंगे, अदरवाइज़ होटल स्टे रहेगा। तो आज के दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। अभी सारी बैग्स पैक हो चुकी है, मेरे दोस्तों ने भी पैक कर लिए। अभी थोड़ी देर में हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे थे जो कि यहाँ पे बिल्कुल सामने ही है सोन प्रयाग के, जहाँ से हम लोग ने कल गाड़ी पकड़ी थी। अभी ये हेलीकॉप्टर जो जा रहे हैं वो ऊपर से केदारनाथ से जा रहे हैं। तो अभी लंबे समय बाद अभी हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके, क्योंकि कल रात को हम लोग में से कोई भी खाना नहीं खाया था। सबकी अभी एट दिस मोमेंट बॉडी पेन कर रही है, पैर कमर पूरे जाम है। हम लोग अभी ऋषिकेश को जा रहे हैं, तो वहाँ से हम लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ से 180 किलोमीटर ऑलमोस्ट दूर है ये। और अभी ब्रेकफास्ट लंच दोनों एक साथ ही करेंगे, मतलब ब्रंच टाइप करने वाले। तो कल तो कुछ खाया नहीं था रात को सोने से पहले, और जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे कल केदारनाथ की तो तीनों टाइम हम लोग ने मैगी खाई। तो अभी मैगी नाम से नफरत होने लगी हमें, मैगी खा खा के बोर हो चुके। आज कहीं थोड़ी सी पेट पूजा होगी और फिर हम लोग निकल पड़ेंगे ऋषिकेश के लिए। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हम लोग ने क्रॉस कर लिया है और 2-3 घंटा चला जाएगा ऋषिकेश जाने में। यहाँ से झीला मार्ग और ये रहा सामने झीला। तो अभी शाम के 5 बजे हम लोग को यहाँ पे पहुँचने तक, हम लोग को आते थे बहुत लेट हुआ क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ी पर जो रास्ता है वहाँ पे काम चालू है रास्ते का, तो लंबा ट्रैफिक था। और साथ ही में अगर गाड़ी में भी बैठे तो भी मास्क यहाँ पे कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे पुलिस रुकाते अगर गाड़ी में बैठने के बाद भी आप मास्क नहीं लगाते तो। और आज लिटरली चालान कट गया वो ड्राइवर का, क्योंकि किसी ने मास्क नहीं पहना था। सो ये है यहाँ का मार्केट एरिया। सो ये रहा राम झूला जहाँ पे हम जाएंगे, काफ़ी फेमस है ये। और यहाँ पे जो नदी है वो है गंगा नदी। तो ये शहर जो है वो फेमस है यहाँ की स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए, और जो चारधाम यात्रा जो है, जो उत्तराखंड के चारधाम है गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, उनकी जो यात्रा जो होती है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। ये नदी जो देख रहे हो वो है गंगा रिवर। पागल है क्या? मैं आउट की खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, उसके बाद एक शेयर करेंगे पानी। मैं पानी भी खाऊंगा। हां पहले आउट की खा दे। कितना प्लेट? अब हम पार मास्क लगा के खाना है। मीठा मीठा ना, मीठा 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 लगा के। हां मीठा लगा, तीखा मीठा दोनों में, तीखा ज्यादा रखना, तीखा ज्यादा, तीखा मीठा ये भी ठीक है। हां चला गया आपको पानी बोलगा पागल सर, अब्दुल ये ब्लॉग बन रहा है यार। ये 5 प्लेट हो गया वे चाचा के आसे ये वाली होती है वो अपनी रेगुलर, और ये वाली होती है सॉफ्ट पूरी। अभी यहाँ पे बन रही आलू टिक्की, वो भी यहाँ के ट्राई करेंगे। बच्चे खाएंगे ना, तो ये हम आ गए अभी गंगा नदी के किनारे। एकदम शांत माहौल है फिलहाल, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है।
शाम का टाइम है, सनसेट भी होने वाला ही है अभी। एक बात बताना मैं भूल गया, यहाँ पे हम लोग ने सोचा था कि यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी करने वाले हैं हम लोग जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन टाइम के चलते हुए अभी इतना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो बाद में कभी नसीब में होगा तो वापस जब आऊँगा तब रिवर राफ्टिंग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है इसी नदी में आगे जाकर, अभी यहाँ पे कुछ थे भी आई थिंक सो, यहाँ वहाँ पे है इस वे, एक मैं जूम करके बताता हूँ, तो वो जो ब्लू कलर के दिख रही वो शिप, वो जो है वहाँ पे रिवर राफ्टिंग चल रही है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी आगे बढ़ेंगे देहरादून के लिए, जहाँ पे आज हम स्टे करने वाले हमारे दोस्त के घर पे, तो फिर वहाँ पे अगर हो सके तो हम लोग मार्केट घूमेंगे क्योंकि कुछ थोड़ी सी खरीदारी भी करनी है, सुविनियर्स काइंड ऑफ थिंग, तो टाइम मिला तो वहाँ पे जाके कुछ खरीदारी कर लेंगे। यहाँ पे शाम की जो आरती होती है वो देखने लायक होती है, लेकिन जो मंदिर जो है वो सारे वो साइड में, जहाँ पे हम लोग नीचे घाट में उतरे थे तो वहाँ से सीधा चल के, बट टाइम कम है हम लोग के पास तो हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे मैग्नेट्स वगैरह ले रहे हैं अभी जाने से पहले, और जो मैं आरती की बात कर रहा था वो इस तरह से होती है। तो ये है देहरादून की दिवाली, लाइटिंग से अभी तक हो चुकी, तो आज यहाँ पे है 11 तारीख और 2 दिन है बस, ये सारी प्रिपरेशन है। तो ये हमारे दोस्त के घर पे हैं हम लोग वापस, हम आज निकल पड़े देहरादून से दिल्ली स्टेशन के लिए, जहाँ पे रुके थे हम लोग पहले दिन वहीं पे आज ब्रेकफास्ट भी कर लिया, अभी सीधा यहाँ से जाना है दिल्ली स्टेशन। ट्रेन की बात करें तो ट्रेन आज भी लेट है, जो ट्रेन हम लोग ने पहले दिन में जर्नी किया था वो भी लेट थी, और आज जाने वाली ट्रेन भी लेट है क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है राजस्थान के नज़दीक। तो चलो अभी ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, ये 7 दिन काफ़ी एंजॉयमेंट में निकाले, पता नहीं अभी वापस कब आने मिलेगा यहाँ पे, लेकिन ये जो ट्रिप थी वो सबसे बेस्ट ट्रिप थी दोस्तों के साथ में, नहीं हुई कभी ना कभी ज़रूर होगी ऐसी वापस ट्रिप। तो इस व्लॉग को भी मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ, जर्नी को इधर ही ख़त्म करता हूँ, और मिलता हूँ आपको जल्दी नए क्रूज व्लॉग्स के साथ, एक नए इन्फो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।